धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से हेल्थ विभाग का ध्यान सेंट्रल गवर्नमेंट CGHS के अंतर्गत कार्यरत 267 डाटा एंट्री ऑपरेटर्स एवं ऑपरेशन मैनेजर्स की समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदया, 2006 में इन लोगों की नियुक्ति की गई थी, CGHS द्वारा इंटरव्यू लिया गया, CGHS ने सारे मानक पूरे किए गए और इन 267 लोगों की नियुक्ति करने के बाद इनका सैलरी देने का अधिकार NIC और NIC SI एजेंसी को दे दिया। उस एजेंसी के कारण इन लोगों की सैलरी में 35% की कटौती होती है और 12 साल से लगभग लगातार कोई बिना किसी ब्रेकेज के CGHS की सेवा ये लोग करते चले आ रहे हैं। इनके ट्रांसफर का अधिकार, इनकी पोस्टिंग का अधिकार भी CGHS के पास है। सिर्फ बीच में एक एजेंसी आने के कारण इनकी 35% जो इनको सैलरी मिलनी चाहिए वो GST अन्य मदों की वजह से कट जाती है। इन्होंने अपनी जीवन के 12 साल जो मुख्य 12 साल किसी के होते हैं वो CGHS को दिए हैं। अब ये कहीं बाहर नौकरी करने के पात्र भी नहीं रह पाते हैं। गवर्नमेंट कोर्ट का एक आदेश भी है कि समान वेतन समान काम, उसके अनुसार मैं आज माननीय मंत्री जी से ये अपेक्षा करता हूं कि ये डाटा ऑपरेटर्स जो 12 साल से काम कर रहे हैं इनको क्या तो रेगुलर किया जाए, और अगर रेगुलर नहीं किया जाता तो इनको बराबर वेतन दिया जाए कंप्यूटर ऑपरेटर्स के तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद।